नमस्कार जी, आप सभी का यूट्यूब चैनल एजुकेशन नॉलेज टीवी पर हार्दिक स्वागत करता हूं। कैसे आप सभी भाई? सीबीएसई बोर्ड ने अचानक से बहुत बड़ा कमाल कर दिया है। अगर आप विद्यार्थी हैं, दसवीं के और बारहवीं के रिजल्ट का अगर आप इंतज़ार कर रहे हैं, तो भाई बहुत अच्छी खुशखबरी आ गई आप सभी के लिए। मात्र दो दिन के अंदर ही आपका जो रिजल्ट है वो भी जारी हो जाएगा। वह एक बड़ा बदलाव भी किया गया है, ये भी आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। तो आप वीडियो को अंत तक देखें, वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। सबसे पहले यहाँ पे देखिएगा, परिणाम से असंतुष्ट छात्र करवा सकते हैं सत्यापन। जी हाँ, परिणाम घोषित होने के चौथे दिन से ही आठवें दिन तक परीक्षार्थी अंकों का सत्यापन करवा सकते हैं। सीबीएसई बोर्ड ने अभी अभी बड़ी जानकारी देते हुए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। सबसे पहले यहाँ पे देखिएगा, सीबीएसई के द्वारा जल्द ही कक्षा दसवीं बारहवीं के परिणामों की घोषणा कर दी जाएगी। हालांकि बोर्ड द्वारा अंकों के सत्यापन के लिए शेड्यूल भी जारी कर दिया गया है। सीबीएसई द्वारा जारी परिपत्र के अनुसार जो छात्र अपने परिणामों से संतुष्ट नहीं होंगे, वो परिणाम घोषित होने के चौथे दिन से आठवें दिन तक सत्यापन के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। बता दें कि बोर्ड आपका जो परीक्षा परिणाम है वो 20 मई के बाद घोषित करने की संभावना है। लेकिन मैं आपको बता दूँ, ये अखबार कह रहा है कि 20 मई तक आपका परीक्षा परिणाम आएगा, वहीं हमारे जो सूत्र कह रहे हैं आपका जो परीक्षा परिणाम है वो 15 मई तक ही जारी हो जाएगा। बड़ी खबर आप तक शेयर कर रहे हैं भाई, लेकिन आप वीडियो को लाइक नहीं करते। वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। 15 मई तक आपका जो रिजल्ट है वह जारी हो जाएगा। तमाम जानकारी सीबीएसई बोर्ड से जुड़ी हुई मैं देता रहूंगा। आप यूट्यूब चैनल पर बने रहें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा भाई। धन्यवाद।